सोलन ने प्रेसवार्ता की अध्यक्षता की और बताया कि सोलन वासियों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बताया कि कोरोना का सोलन में लगातार आक्रमण होता जा रहा है, मौत के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें 25 से लेकर 80 तक की उम्र के 14 लोग शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण को हल्के में लेने वाले युवा ही कोरोना से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए जिला वासियों को पहले से भी ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी देते हुए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जिलावासी हल्के बुखार और जुकाम को साधारण मान रहे हैं और वे खुद ही दवा लेकर अपना इलाज कर रहे हैं। यही वजह है कि सोलन में 14 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से भी ज्यादातर रोगी अपना घर में ही इलाज करते रहे और जब बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ती है तो अस्पताल में पहुंचे, लेकिन तब तक बेहद देर हो चुकी थी। इसलिए सभी से आग्रह है कि अगर किसी को भी बुखार या जुकाम के लक्षण है तो वे तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचे और अपना इलाज करवाए। उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराए नहीं बल्कि समय पर इलाज करवाएं। खांसी और जुकाम को कोई भी आदमी साधारण में सहज अवस्था में और इसको इसमें ना ले, इसके लिए आवश्यक है कि हर एक आदमी जो नागरिक है कि वो छुपा करके कोई दवाई कोई केमिस्ट से लेके और किसी प्राइवेट डॉक्टर से लेके अपना इलाज ना कराए, बल्कि नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र में आके अपना अगर है तो उसको दवाई लें। अगर यह है कि सैंपल लिफ्ट करवाएं और जो इसके जो तहत जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत अपना देख रेख में अपना जो दवाइयां लें, इससे ये बेहतर रहेगा। एक तो ये रहेगा कि जो मरीज़ है उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी, पूरा सिस्टम उसके पीछे खड़ा रहेगा और उसके ऊपर क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है उसके लिए उसकी पूरी व्यवस्थाएँ हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी हमने देखा है कि नारागढ़ में कई लोगों ने चुपचाप करके अपना ट्रीटमेंट इधर उधर से आए, जब लास्ट में ब्रीथलेसनेस आई तो सुबह के समय 5 बजे आए 6 बजे आए तो कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें ऐसा हम किसी से ना हो तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जैसे सोलन जिला में अभी तक जो हमने लगभग 42,000 के करीब सैंपल लिए है, जो बड़ा एक रिकॉर्ड है, और उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 1643 पॉजिटिव आए और 1210 के करीब क्योर हो गए और 380 अभी एक्टिव केसेस है। तो ये एक तभी संभव हो पाए थे क्योर रेट, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर देख रेख है, प्रॉपर डाइट चार्ट है और उसका जो मेडिसिन जो एंटीबॉडीज़ जो उनको दिया जाता है टेबलेट्स वगैरह है उससे उनका क्योर रेट बढ़िया हो जाता है। तो लोगों से आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यही आग्रह था कि लोग जहाँ भी है जैसे ही कोई उसको है कि ILI टाइप के जुकाम टाइप के कोई लक्षण आते हैं तुरंत हॉस्पिटल में आए और अपना वो डॉक्टर से कंसल्टेशन ले और उसका हम सैंपल लिफ्ट के अगर कहीं पॉजिटिव भी आता है ये कोई स्टिग्मा नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। तो ये लोग अपना ट्रीटमेंट करवाएं और सरकारी देख रेख जो व्यवस्था है उसकी निगरानी में रहें और स्वतः अपना इलाज चुपचाप करके मत करवाएं, जो कि एक बहुत घातक सिद्ध हो रहा है।